अगर आपको कभी ये खबर मिली कि बिहार के 40 विधायक विधायक नहीं रहे, उनकी विधायकी चली गई, तो ये खबर सुनकर चौंकिएगा मत। इसलिए कि लगातार खबर चल रही है कि जो 40 विधायक हैं बिहार के, उनकी विधायकी खतरे में है। एक तरफ अनंत सिंह की विधायकी खतरे में है, उनको सजा हो चुकी है कानून के तहत, 2 साल से ज़्यादा सजा हो जाने के बाद संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है और इसके हिसाब से अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो जाएगी। लेकिन उन 40 विधायकों का क्या, जिनकी विधायकी खत्म होने के कगार पर है? तो दरअसल मामला यह है कि चुनाव आयोग के हलफनामे में जो दिया जाता है सर्टिफिकेट, और या यूं कहें तो जो फॉर्म भर के दिया जाता है, उसमें जानकारी गलत, खासतौर पर संपत्ति की जानकारी गलत देने के बाद अब खबर यह है कि निर्वाचन आयोग और कोर्ट इन सभी चीज़ों पर संज्ञान लेकर जल्द ही फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 40 विधायकों की विधायकी खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही बिहार के सरकार और बिहार में जो मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं वो अल्पमत में आ जाएगी। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 10 के आंकड़ों का अंतर है, वहीं अगर बात करें तो विधायकों में 40 की संख्या में कमी होती है तो बिहार की सरकार अल्पमत में आएगी, और ऐसे में बिहार में सरकार की स्थिति और सरकार पर संकट गढ़ा जाएगा। मामला कई बातों को लेकर है, मामला कई चीज़ों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच विवाद को ही अगर उठाकर देख ले तो लगातार विवाद इतना गहराता चला जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भिड़े हुए हैं। ललन सिंह इस मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जदयू के सर्वसर्वा हैं और हर बात पर उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नागवार गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर तल्ख टिप्पणी की, और वहीं अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तल्ख टिप्पणी की। ऐसे में 40 विधायकों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि 40 विधायकों की सदस्यता खत्म हो सकती है, विधायकी जा सकती है। तो ऐसे में बिहार की सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। देखना यह होगा कि जो 40 विधायक हैं उन पर जो मामला निकलकर सामने आया है, निर्वाचन आयोग कोर्ट क्या फैसला लेता है और किस प्रकार से कोर्ट इन मामलों को लेकर विधायकों को नोटिस जारी करता है। इसलिए कि गलत जानकारी इन लोगों ने दी है और गलत जानकारी के एवज में अगर विधायकी खत्म हो जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें बिहार की सियासत में अभी चल रही हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।